जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में। यहूदी लोग पिछले 3000 सालों से फसह का पर्व मनाते आए हैं। यहूदी लोग फसह के पर्व में क्या क्या खाते हैं? परमेश्वर ने क्यों फसह को कड़वे साग पात के साथ खाने के लिए कहा था? यीशु मसीह ने भी कई बार फसह के पर्व को मनाया था। यीशु मसीह ने फसह के पर्व की विधि को पूरी करी तो कैसे पूरी करी? मसीह लोग फसह के पर्व को कैसे माने? फसह के पर्व की विधि यहूदियों को मिस्र से निकलने के जस्ट पहले मिली थी। यहूदी लोग मिस्र में गुलाम थे, तब उनको यह विधि मिली थी। मुझे यकीन है यहाँ तक का तो आप लोग जानते ही होंगे। आज के समय में यहूदी लोग जिस प्लेट में फसह का भोज खाते हैं, उस प्लेट को सेडर प्लेट कहते हैं। प्लेट में रखी हुई सारी चीजों का एक एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। 6 प्रकार की चीजें प्लेट में होती है, साथ में अखमीरी रोटी भी होती है और दाखरस से भरा हुआ कटोरा या ग्लास होता है। फसह खाने के लिए जो कंडीशन बाइबल में बताई गई है वो है 1 वर्ष का निर्दोष मेमना, चाहे भेड़ों में से या बकरों में से लेना होता था। जूतियां पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए खाए, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। सेडर प्लेट में उबला हुआ एग होता है। यह सिंबल है फसह के बलिदान का। शेक बोन, जिरोवा, यह हड्डी फसह के मेमने की होती है। ध्यान रखिए, फसह के मेमने की कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी। यीशु मसीह ने फसह के मेमने की तरह बलिदान दिया था, इसलिए उनकी भी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, लिखा हुआ है। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। बीटर हर्ब्स, मरूर, ये मिस्र की गुलामी की कड़वाहट का प्रतीक है कि यहूदी लोग वहाँ कैसे गुलामी में थे, ये गुलामी की कड़वाहट को बताता है। पार्सले, कार्पस, इसे नमक के पानी में डुबाकर खाया जाता है। इसे खाते हुए लोगों के आंसू निकलते हैं। ये सिंबॉलिक मीनिंग है आंसुओं का जो यहूदियों ने मिस्र की गुलामी में बहाए थे। एप्पल, नट्स, स्पाइसेस और दाखरस का एक पेस्ट। खरोसत, ये प्रतीक चिन्ह है कैसे मिस्र की गुलामी में लोग ईंटें बनाया करते थे मिस्र के फिरौन के लिए। लेटस, इसे और कड़वाहट के लिए खाते थे, जैसे बिटर हर्ब्स मरूर में खाते हैं। फसह के पर्व की शुरुआत में, मतलब महीने के 10वें दिन को घर से सारा खमीर निकालना पड़ता था और 14वें दिन को फसह का पर्व होता है। फसह के भोज में जूतियां पहनकर भोज किया जाए, ऐसा लिखा है, क्योंकि गुलाम लोगों को जूती पहनने की इजाजत नहीं होती थी। ये आजादी का प्रतीक था कि लोग आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को मिस्र की गुलामी से निकाला था। दोस्तों, खमीर चिन्ह है सिन यानी कि पाप का, और अखमीर यानी बिना खमीर की चीजें शुद्धता प्यूरिटी का चिन्ह है। फसह के पर्व की शुरुआत होने के ठीक पहले जो घर का नौकर या सर्वेंट होता था वो लोगों के हाथ धुलाता था और फिर लास्ट में उनके पैर धुलाता था। लेकिन यीशु ने, जो कि 12 चेलों के गुरु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र है, उन्होंने चेलों के पैर धोए थे। 4 दाखरस से भरे हुए ग्लास होते हैं, दाखरस के, मदिरा के नहीं। दाखरस अंगूरों का रस होता है। 4 का सिंबॉलिक मीनिंग आपके सामने है। माज़ा टोश, ये वो बैग होता है जिसमें रोटी को रखा जाता है। इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये अब्राहम, इजाक और याकूब की यूनिटी का सिंबल है। कुछ कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी कि गॉड्स ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर का सिंबल है। दाखरस के कप में से 9 बार डुबाकर प्लेट में लगाया जाता है। ये बताता है मिस्र की 9 विपत्तियों को। 10वीं विपत्ति फसह वाला दिन था। अब बढ़ते हैं उस ओर जिस मकसद से ये वीडियो बनाया गया है। यीशु मसीह ने कैसे फसह बनाया? अभी तक की जो जानकारी मैंने आपको बताई वो यहूदी रब्बियों के कुछ लेखों से और कुछ इंटरनेट के द्वारा जानकारी थी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बाइबल से है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के फसह के पर्व में क्या क्या हुआ था। चेलों ने यीशु से पूछा कि फसह कहाँ तैयार करे। यीशु ने बताया एक अटारी पाहुनशाला के बारे में, जिसका मतलब गेस्ट रूम से है। यीशु ने चेलों से कहा, मुझे बड़ी लालसा थी
कि दुख भोगने से पहले यह फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि यीशु चेलों को फसा के बारे में वो बताने वाले थे जो यहूदी हजारों सालों से फसा के पर्व में मना रहे हैं। इसका वास्तविक मतलब उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया। यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको दी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसके बाद यीशु ने दाखरस का कटोरा भी लिया और चेलों को कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। सबसे बड़ी बात यहाँ मुख्य तौर पे सिर्फ दो चीजों का जिक्र है, रोटी और दाखरस का। बाइबल के इस वाक्य में ना ही कड़वे सागपात का जिक्र है और ना ही फसा के मेमने का, क्योंकि असल में फसा का मेमना तो प्रभु यीशु मसीह थे। बाइबल के लेखकों ने भी इसी बात पर जोर दिया है। फसा के पर्व में यीशु ने चेलों से कहा, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो, मतलब भविष्य में चेलों को भी ऐसा ही करना होगा। यहाँ पर हम आने वाली मसीहत के लिए एक बहुत बड़े धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत को देखते हैं। आज मसीह लोग फसा के पर्व को कैसे देखते हैं? उन्हें कड़वे सागपात खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो यहूदियों के लिए एक चिन्ह के रूप में है कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला था। ये चिन्ह व्यवस्था के अंतर्गत आता है। हम लोग चर्च में जो प्रभु भोज लेते हैं वो इसी बात का चिन्ह है। दाखरस और रोटी चिन्ह है यीशु के लहू का और यीशु की देह का, जो उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर बहाया और अपने आप को बलिदान किया। जैसे फसा के मेमने की कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाती थी, वैसे ही यीशु मसीह की भी क्रूस पर कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई थी। जबकि क्रूस की प्रथा का ये तो एक हिस्सा था। किसी गुलाम ने लोगों के पैर नहीं धोए, बल्कि स्वयं यीशु मसीह ने लोगों के पैर धोए। यीशु ने लोगों को कहा कि देखो, मैंने तुम्हें नमूना बता दिया है। और यीशु मसीह ने ये भी कहा, जो कोई बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को सबसे शून्य बनाए और सबका दास हो। दसवें दिन लोग सारा खमीर अपने घर से निकालते थे, वे अपने घर की सफाई करते थे। और खमीर के विषय में पौलुस प्रेरित ने एक बात बताई है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई की दुष्टता से खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। फसा के पर्व की विधि चिन्ह था बाबा याकूब के 12 बेटों की संतानों यानी इजरायली प्रजा के लिए। हम मसीह जो विश्वासी है उनके लिए प्रभु भोज की विधि है, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं।